Hazel said, "If you had asked me back in grade school what I wanted to be when I grew up, I would have said my first choice was an actor. But if I couldn't be that, I'd want to be a superhero." When a man stands tall in his beliefs, he attains a realm of spiritualism, which is beyond what we see. Mukesh Khanna has come a long way in life and proved that he is in fact a superhero. Let us listen to the actor who has achieved and inspired millions through his on-screen presence. Travel with me as we journey through the achievements of Mukesh Khanna only on The Bollywood Dynasty. Again, you have rightly put forward two things. One is that there has to be some kind of inner strength to do that. मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत सेलेक्टिव आर्टिस्ट हूँ. मैं अगर मैंने उस दिन जिस जो किया था मैंने 25 साल पहले, आज भी वही कर रहा हूँ. दुर्योधन मना किया, आज मेरे पास लाइन लग जाए अगर मैं नेगेटिव रोल्स को, हाँ कर तो मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ. मुझे अमरीश पुरी जी की डेथ पर मेरा सेक्रेटरी बोलता है, मुकेश जी आप एक अनाउंसमेंट दे दीजिए कि आप अमरीश पुरी को रिप्लेस करते हैं. मैंने कहा चुप, चाथा चल रहा है और तुम बोल रहे हो कि ये व्हाट. मैंने कहा मैं नहीं कर सकता. मुझे विलन, मुझे पता लगा था कि आफ्टर महाभारत मनमोहन देसाई की तरफ से एक कॉल आया था कि मुकेश को पूछो मेन विलन करेगा. मैंने कहा एक व्हाइट कैरेक्टर को मेन विलन क्यों दे रहे हैं लोग. फिर मुझे बताया सर क्या होता है कि इन लोगों ने हीरो साइन करके रखा होता है, विनोद खन्ना, जितेंद्र, मिठुन, ये विलन अभी तक नहीं. वो चाहते कि आप खड़े हो जाओ विनोद खन्ना के सामने, यार खड़े जाओ. मैंने वो उस दिन से मना किया, आज तक मना करता हूं. शक्तिमान इज अगेन कमिंग आउट ऑफ मी. मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरे आज तो कुछ और ही कंडीशंस बढ़ गए. मैं बहुत फसी एक्टर हूँ, मतलब आई विल से मेरे में किंतु परंतु बहुत है. मैं आज बोलता हूँ मैं विलन नहीं करूंगा, मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, रोमांटिक रोल नहीं करूंगा. मुझसे मुझे 15 फिल्में इसलिए मिस होती. मुझे किसी ने कहा था सर महाराणा प्रताप करेंगे, मैंने कहा दाढ़ी थी बोला नहीं थी. मैंने कहा चलो आगे बढ़ो. मैं इतना इसीलिए मुझे क्या कि मेरे दाढ़ी मेरे यहाँ तक आ गई. आफ्टर महाभारत एवरीबडी वॉज पुटिंग बियर्ड ऑन मी, चाहे वो सौदागर हो, संघर्ष हो, तहलका हो. करते 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 तो मुझे अभी मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ दाढ़ी नहीं होगी. सो समाउ शक्तिमान वॉज हैड टू रीजन्स टू मेक ऑल्सो बिकॉज दिस इज माई प्रोडक्शन. आफ्टर भीष्म सक्सेस आई मेड कंपनी कॉल्ड भीष्म इंटरनेशनल. मेरी कंपनी का नाम भीष्म इंटरनेशनल. जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 60 फिल्में की जिसमें मैं पहले हीरो था 15 फिल्मों में, बाद में मैं शाहरुख खान से लेकर फिरोज खान तक का बाप बन गया. यलगार में आई प्लेड हिज फादर एंड पीपल यूज्ड टू से हम हंसते थे जब शिरोज साहब आपको बोलते थे डैड, तो आप बोलते थे ये, तो हमें एक स्माइल आ जाती थी. आई रियलाइज कि ये सारे रोल अभी मैं 10 साल के बाद भी कर सकता हूँ. लेट इज ब्रेक द इमेज. डायरेक्टर ऑफ शक्तिमान एंड मी वी थॉट ऑफ अ सुपर हीरो जो हमारे देश में नहीं था. हमने कहा बच्चों के पास सुपर हीरो खुद का नहीं है. गुफी पेंटल टोल्ड मी मुकेश यू वोंट बी एबल टू ब्रेक थॉमस ब्रेक इमेज. मैंने कहा हम कोशिश करके देखते हैं. शक्तिमान बनाने के पीछे दो कारण थे, दाढ़ी के बगैर मुकेश खन्ना ऐसा दिखता है, और शक्तिमान जो है वो मुझे गंगाधर बन के कॉमेडी भी कर सकता है. मुझे वो इमेज तोड़नी थी. अब बनी, हमने कहा बच्चों के पास सुपर हीरो नहीं है. जब बनाना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि इट्स नॉट सो इजी टू मेक. वायर पे लटकना पड़ता है, स्काई स्क्रैपर पे खड़ा होना पड़ता है, नीचे आके रोड के ऊपर शूटिंग होती है. सो आई रियलाइज व्हाई पीपल आर नॉट ट्राइंग, बट वी ट्राइड एंड इट बिकेम सो बिग. टुडे मुझे बच्चे, मुझे अनाउंसमेंट होती है, मैं बीजेपी के कैंपेनिंग में आता था, अनाउंसमेंट होती आ गए बड़ों के पितामा छोटों के शक्तिमान, बड़ों के पितामा छोटों के शक्तिमान. बड़े लोग यहां से आते, छोटे बच्चे यहां से आते. मेरी कैंपेनिंग में 15 रो में बच्चे बैठते थे जिसका कोई वोट नहीं होता था, वो ऐसे ऐसे करते रहते थे. तो मैं बोलता चुप, वहां वो कैंडिडेट बोल रहे, अडवाणी जी बोल रहे, कोई भी बोल रहे, बच्चों को सिर्फ 15 रो में हिलते रहते थे. इनफैक्ट मुझे बताया वाजपेयी जी को, वेंकैया जी ने कहा था मुकेश जी इज सिक्योरिंग अवर फ्यूचर वोट्स. मैंने कहा वेंकैया जी तीन बच्चों का एक वोट बना दो, मैं आपको जिता दूंगा. सो दैट कैरेक्टर बिकेम सो बिग. आई प्लेड फॉर 7 इयर्स, 97 टू 2004 दूरदर्शन पे चला, एंड इट बिकेम सो. आई मीन आज भी मुझे बच्चे, फिर हमको बंद करना पड़ा क्योंकि हमारी फीस बहुत बढ़ गई. तो अगेन शक्तिमान आई वुड से व्हाई इट बिकेम हिट, बिकॉज मेरे अंदर से निकला था. आज भी मुझे माँ आके कहती है हम आपके, एक मुझे माँ आके मिली ऐसे खड़ी होगी, हम आपके शुक्रगुजार हैं. मैंने कहा बहन जी क्या हुआ. नहीं बहुत शुक्र है. मैंने बताई तो सही. बोला देखिए हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, उसको मारते थे दूध नहीं पीता था, आज तीन बार हंस के दूध पीता. कहता शक्तिमान ने कहा दूध पियेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे. देन आई रियलाइज की
वॉट एवर आई एम डूइंग, बच्चे लोग सुपर हीरो के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत कुछ. इन माई लाइफ आई वुड से आई हैव इवन पास्ड अ कॉमेंट विच इज ऑफकोर्स नॉट राइट फॉर मी टू पास इन अवर इंडस्ट्री, वी डोंट पास, बट आई ओपनली सेड शाहरुख खान डज नॉट हैव एन इमेज टू प्ले सुपर हीरो, ही स्मोक्स. मैंने आज लोगों को, उनको शायद बुरा भी लगा होगा, उन्होंने रावण बनाया, मैंने कहा वो सुपर हीरो नहीं बन सकते क्योंकि उसकी इमेज वो नहीं है. मेरी इमेज क्यों है कि मैंने आज 40 साल से इंडस्ट्री में हूं, मैंने आज तक बियर चखा है, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं पान नहीं खाता, मैं बीड़ी नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता. इनफैक्ट एक बड़े एक्टर ऋषि कपूर ने कहा था, मुकेश तुम करते क्या हो. सो मे बी दैट वर्कड विद मी. शक्तिमान वर्कड. व्हाई भीष्म पितामह वर्कड? बिकॉज मैंने अपने फादर की सेवा की है, आई हैव मदर की भी सेवा की है. शायद वो नहीं तो ये कैरेक्टर कोई नहीं बोलेगा कि कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो अपने बाप की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को मृत तृष्णा में ढकेल देगा. चलो शादी नहीं करेगा, पर ब्रह्मचर्य का कोई करेगा, छोड़ा ऐसा नहीं होता. बट आई नेवर आस्क दैट क्वेश्चन. ऐसा ऐसा लड़का हो सकता है? जो दुविधा उसके बाप को थी वो सबको दुविधा ऐसा लड़का क्या? पर मैंने शायद कन्विक्शन से कि मेरे फेस में कन्विक्शन नजर आया होगा. शक्तिमान, मैं बच्चों के लिए, बच्चों को समझाना चाहता था. मेरा सेक्शन था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और एक बॉडी इस टेम्पल, शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो. ये हर एंड में आता था. आज भी मुझे माँ वही बोलती है कि आपकी सुनता है, हमारी नहीं सुनता. मैंने कहा मैं दोस्त बन के बोलता हूँ, आप लोग उपदेश देते हो, मेरे पास चॉकलेट रहते. सो शक्तिमान बिकेम सो बिग. बट आयरनी जो थी वो ये कि मैं भीष्म पितामह की इमेज को तोड़ने के लिए शक्तिमान बनाया. शक्तिमान तो बहुत बड़ा बन गया, पितामह साहब अभी भी चले आ रहे हैं पीछे पीछे. आई हैव टू प्ले टू डिस्टिंक्ट रोल. अभी आपने कहा हर आदमी याद किया जाता है, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं बट अपनी एक 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 आयरनी बता रहा हूं कि इट्स स्ट्रेंज दैट किसी एक्टर के पास दो इमेज नहीं होती. या तो आप गब्बर सिंह या आप एंग्री यंग मैन है, आप मोहन कह देगा. मेरे को एक क्षण में दो लोगों से डील करना पड़ता है. जैसे मैंने आपको कहा माता जी खड़ी रहती है, बोलता हूँ माता जी आप आशीर्वाद है, आप नहीं तमे थे पितामह छो, हमारी बहू छे, मुझे बोलना पड़ता है अखंड सौभाग्यवती. साथ में ये भी बोलती है हम तो आपको पितामा के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए. अब बच्चे ऐसे देखता मुझे, और बच्चा बोलता है ए उड़ के दिखाओ ना. वही बच्चा बोलता है ए जादू करके दिखाओ. मैं बोलता चुप, कोई जादू नहीं होता, कोई उड़ना नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है. बट आई हैव टू कॉन्स्टेंटली हैव द टू इमेजेस. जो मैं आज जी रहा हूं पिछले 25 सालों से, महाभारत 15 सालों से, शक्तिमान, मेरी एक और सीरियल शुरू हो गई थी प्यार का दर्द है, वो भी शायद मैं, बिकॉज मैं उन एक्टरों में से हूँ जो रोल को सीरियसली लेता हूँ, इसलिए मैं चूज ही हूँ. मेरे अंदर से निकले तो करता हूँ. तो ये पुरुषोत्तम दीवान हमारी एक प्यार का दर्द है, राजश्री ने बनाई थी, वो 2.5 साल किया मैंने. उसके बाद मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैंने कहा मैं 4 साल तक घर घर नहीं खेल सकता. आप लोग घर में सब ये सीरियल में यही होता रहता है, वो गिर गया उसको खिलाओ, फिर उसमें नाचते हो, होली में नाचते हो, करवा चौथ में. वो कैरेक्टर भी इतना पॉपुलर हुआ था कि एयरपोर्ट पर एक लड़की जा रही थी, टर्न करके मेरे को बोलती छोटी सी, आई विश आई हैड अ नानू लाइक यू, बट आई स्टॉप. ऐसे तीसरा इमेज मेरा बन जाएगा पुरुषोत्तम दीवान, इधर शक्तिमान. मेरा खुद का नाम क्या है जिसे आपने सही बताया, बट आई कंसिडर इट, आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर दैट. मेरे को एक बार याद है छोटे बच्चा मेरे पास आया, बोला सर आपका नाम क्या है? दे नॉट नो आई एम मुकेश खन्ना, दे न्यू आई एम शक्तिमान और भीष्म. एंड वेल दिस इज वॉट एन एक्टर शुड डू, ही शुड बी नोन फॉर हिज कैरेक्टर. मेरे को आज भी, मैं कभी कभी देखिए मैं हजारों फंक्शनों में जा चुका हूँ, स्कूलों से फंक्शंस आते हैं, उनके इनॉग्रेशन होते हैं, उनके फेस्टिवल्स होते हैं, उनके सालाना फंक्शन होता है. मैं गांव-गांव से कहाँ कहाँ गया हूँ, मैं आई डोंट थिंक हम जिंदगी में जाते शायद. बट मुझे अक्सर ये सवाल मिलता है एक किलविश कब मरेगा. मैं बोलता हूँ मरेगा तो मुझे फिर से शक्तिमान लाना पड़ रहा है. आई बिन ट्राइंग फॉर लास्ट 1 ईयर, इट्स हैपनिंग. आई सपोज आई माइट गेट इन टू दूरदर्शन से भी बात हुई है, सेटेलाइट से. और आयरनी और दुविधा यह है कि मुझे खुद को शक्तिमान बनना पड़ रहा है. आज 15 सालों के बाद आई हैव टू मैच द 15 साल पुराना शक्तिमान, बिकॉज आई कांट मेक अक्षय कुमार शक्तिमान, आई कांट मेक शाहरुख खान और आई कांट मेक अजय देवगन, बिकॉज मेरी इमेज अभी भी, जैसे अभी ये फेस्टिवल आपने कल देखा है लखनऊ में, वहां भी बच्चे शक्तिमान शक्तिमान. सो आई हैव टू कम बैक एज अ शक्तिमान. आई एम रेडी फॉर दैट. आई एम रिड्यूसिंग माई सेल्फ, ऑलरेडी 8 kg कम कर चुका हूँ, मुझे 8 kg और कम करना है. And it will come. Quite possibly, there is a talk of making it in a digital. आजकल web बहुत popular हो गया है. तो एक बात चली है. Let it get concrete, then I will be able to announce it.
पर शक्तिमान फिर से आ रहा है. इट विल बी अ इट विल स्टिल रिमेन शक्तिमान. इट विल नॉट चेंज लाइक महाभारत हैव चेंज. आई हैव कंप्लेन अगेंस्ट ऑल दिस महाभारत जिन्होंने बनाए, कैरेक्टर चेंज कर दिए. हमारी सोल वही रहेगी बट विद बिग कैनवास एंड बिग गैजेट्स. वी आर ब्रिंगिंग बैक शक्तिमान फॉर द डिमांड ऑफ द किड्स ऑफ इंडिया. एंड देन अपन आई बिकम चेयरपर्सन, सो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है. एक्चुअली क्या है, जयपुर से शुरू हुई थी, आगरा में गई है, अभी हम लोग इंदौर में करने जा रहे हैं, पूना में बात चल रही है. मेरा फंडा क्या था कि, और सबको पसंद आई बात, मैंने कहा देखिए हमारे बच्चे भाग के नहीं आते, पर माँ बाप को बोल के समझा बुला के बम्बई आते हैं. बम्बई उन लोगों के लिए अजनबी नगरी होती है, वहाँ आके वो लोग स्कूल में एडमिशन भी लेते हैं, फिर उनको पता नहीं बम्बई क्या है. कहीं ना कहीं हमने सोचा कि हम अगर उनके ही गांव में उनके ही स्कूल में एक स्कूल खोल दें तो माँ बाप के साथ में रहकर फ्रेंड्स के साथ में देख पाएंगे, सीख पाएंगे, 3 महीने का कोर्स होगा. तो ये मैं लोकल पार्टनर्स ढूंढता हूँ, वहाँ को उन लोगों को संभालना होता है, हमारी ब्रांड रहती है, हमारी फैकल्टी रहती है, एंड इट इज़ कैचिंग ऑन. एंड शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू डू. कि हमारे हम जैसे कुआं प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास आएगा. सो दिस इज कैचिंग, आई एम ट्राइंग टू डू दैट. आपने जख्मों पर नमक छिड़क दिया है, मैं बहुत बोल चुका हूँ इसके खिलाफ कि आज का मतलब अगर मैं आपको ह्यूमरस वे बताऊं तो मैं जैसे मैंने पहले से कहा कि बच्चा आज का जो है जो देख रहा है उसको नहीं देखना चाहिए, चौथी का क्लास का जो है 12वीं का. मेरे घर में एक छोटी बच्ची, मैं हमेशा बोलता हूँ उन लोगों माता पिताओं को भी कि आपकी माँ, वो छोटी बच्ची बोलती है मेरे को टीवी में डाल दो, मुझे शक्तिमान मामू से मिलना है. उसको ये नहीं मालूम टीवी क्या है, उसको ये नहीं मालूम शक्तिमान क्या है. और वो छोटी बच्ची आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रही होती है. जिसको ये नहीं मालूम कि शादी क्या होती है, सास क्या होती है, ननद क्या होती है, वो देख रही है. ननद कहती है देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसी होगी. दैट गर्ल दैट बॉय. और ये सब लोग, बाप जाता है कमाई करने के लिए, माँ जाती है किटी पार्टी में, और बच्चों को आया के पास छोड़ देते हैं या आईपैड दे देते हैं, चल तू देखता रहे, उससे जो नॉलेज मिलता है विच इज नॉट हेल्दी. सो कहीं ना कहीं जो भी सीरियलें आजकल बन रही हैं, हम लोग देखिए, हम लोग भेड़ चाल के बहुत शौकीन हैं. एक संतोषी माँ बनती है, 10 संतोषी माँ बनती है. एक शक्तिमान बनी, लोगों ने ट्राई किया लेकिन नहीं बना पाए. एक सास भी कभी बहू बनी, 30 सास भी कभी बहू बनी, और वही झुमका, वही बिंदियां, वही करके, वही झगड़े. ऐसी औरतें नहीं है हमारे देश में, मैं हमेशा बोलता हूँ. मुझे तो एक बार फोन आया था कहीं आपके बाहर से, अभी कनाडा था, पता नहीं कौन था, उन्होंने कहा मुकेश जी मैनू 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 एकता कपूर का एड्रेस दो. मैंने क्यों, मैं मारांगा हूँ जाके. मैंने कहा क्यों भाई, बोला ऐसे असी घर लौट दे हैं, वो वोटियाँ कह दिए, ओ जी खाना पाया अपना खाना खा लो. वो टीवी में घुस के बैठ के देखती रहती सास जी कभी बहुत. दैट इज समथिंग विच इज रिपीटेटिव. हमारे जमाने में हम लोग बनती थी, बुनियाद बनती थी, महाभारत बनती थी, चंद्रकांता बनती थी, एवरी सीरियल हैड सम काइंड ऑफ अ नॉलेज टू बी गिवन. आज इट इज जस्ट अ भेड़चाल. जैसे मैंने कहा कि मैं 2.5 साल करने के बाद मुझे राजश्री को बोलना पड़ा मुझे निकाल दीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर 20-20 दिन आके बैठ के, और हमारी सेटेलाइट इंडस्ट्री का मैं एक आर्टिकल भी लिखने वाला हूँ, सेटेलाइट की चकाचौंध आज इतनी फास्ट भाग रही है. 30 दिन में 35 दिन का काम करते हैं, डायरेक्टर कभी कभी 40 दिन का काम करता है, स्क्रिप्टें तभी आती हैं. करवा चौथ में नाचना, होली आएगा तो सब करो, सब लोग सेम दिखा रहे हैं. सो इनोवेशन इज नॉट देयर. इज कंटेंट वाइज रिपीटेशन. अभी डांस शुरू हुई तो डांस कॉम्पिटिशन. रियलिटी शो में बच्चे पिस गए हैं. मैं तो बोलता हूँ अपने माँ बाप बच्चों को लेकर आते हैं रियलिटी शो में, मैं पूछता हूँ पढ़ता है ये, बोला हाँ सब पढ़ लेता है, वो सेट पे बैठ बैठ के जो एग्जाम देता है. सो ये बच्चा सिर्फ इंजॉय करेगा 45 डेज या एक साल का, उसके बाद में वो बच्चा भ्रमित हो जाएगा. पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होनी चाहिए. तो मैं हैप्पी नहीं हूं. इनफैक्ट मैंने तो बहुत एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने कहा देखिए हमारे यहाँ सीरियलों में जब फ्रेम पास होता ना तो 6 या 5 औरतें होती हैं, उसके बीच में एक मर्द खड़ा रहता है, वो भी विवश खड़ा रहता है, सब झुमके, सब आप फ्रेम घुमाइए तो औरतें बनती हैं. मैंने कहा जिस दिन मैं डेली सोप बनाऊंगा ना, मैं 5 औरतों के बीच में 5 मर्दों के बीच में एक औरत खड़ी करूंगा. और मैंने सौतेला बनाया, आई मेड सौतेला अमंग्स ऑल दीज लेडीज कैरेक्टर. मासूम की कहानी थी, जो बच्चा 20 साल के बाद अपने फादर पर पहुंचता है, जो मासूम एक बच्चा. हम नई चीज नहीं कर रहे. शक्तिमान क्यों हिट हुआ, बिकॉज वो नई चीज. कोई हिम्मत नहीं करता नई चीज बनाने का. भेड़ चाल ये गर्म तवा है, इस रोटियां सेकते रहो.
And if you ask me, culturally it is wrong, knowledge wise it is wrong, the exposure, जैसे अभी मेरा CFSI का, मेरा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का, मेरा जो एक नया जो मैंने जो स्टार्ट किया वो ये है कि हमारे बच्चों के पास कंटेंट नहीं है, इसीलिए वो सास भी कभी बहू देखते हैं या सलमान खान को देखते हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए, कि इतना मारूंगा, इतने छेद करूंगा कि ये छोटा सा बच्चा सुन रहा होता है, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है, कोई बनाता नहीं अच्छी बच्चों के लिए फिल्में। सो समहाउ आई हैव सेड, जो भी दिखाया जा रहा है या तो फॉरेन है या तो निकलोडियन से लेके हर चैनल के ऊपर इंग्लिश कंटेंट 75% रहता है, इंडियन कंटेंट हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे। इसी एक फंक्शन में मैंने अभी था फिक्की के फंक्शन में, वहीं ये बात निकली थी, सुभाष गए कि मुझसे निकला कि मैंने किसी एक लड़की को बोला, वो MBA कर रही थी, कि राम के फादर का नाम क्या था तुम जानती हो कौन, वो फफला गई, उसको दशरथ नहीं मालूम था। दिस इज बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स वेस्टर्न, बिकॉज हम अपना कल्चर नहीं सिखा रहे हैं, हम अपना वो नहीं। तो मुझे बहुत बड़ी शिकायत है कि हम कंटेंट ठीक करें अपना, और एक देयर शुड बी अ कंट्रोल ऑन द कंटेंट गिवन बाय द फॉरेन चैनल जो ये सब सैटेलाइट से आते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ सैटेलाइट से आप नहीं रोक पाओगे बच्चों को, इंटरनेट हो या कुछ भी हो या व्हाट्सएप हो, लेकिन ऊपर से आता है। पर माँ बाप अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर सकते, यू शुड नो या बच्चा क्या कर रहा है, यू शुड नो बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा किसके दोस्त बना। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। हम हमेशा वही कहते हैं ना कि हम आगे जाएंगे तो बहुत यूथफुल होंगे, लेकिन वो यूथ कितना स्ट्रांग होगा वो भी तो देखना चाहिए आपको।